जिंदाबाद जिंदाबाद भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद भोजपुरी भाषा जिंदाबाद जिंदाबाद भाषा जिंदाबाद। जी सर, आप इस जो भाषा को लेकर के जो आज जंतर मंतर पर कार्यक्रम है उसमें आप सम्मिलित हुए हैं और आप एक राजनीतिक दल भी, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, भोजपुरी को मिला के मैं सभी प्रांतीय भाषाओं का सम्मान करता हूं और उनका प्रोत्साहन करता हूं। मैं उन सभी लोगों से, उन सभी भाषाओं से मैं सहमत हूं। किसी भी प्रकार के प्रांतीय भाषा या मातृभाषा उस देश की संस्कृति की मर्यादा होती है, उस देश की मर्यादा के साथ साथ उसका आभूषण होती है। उसको सम्मान करना, उसको संभाल के रखना, ये हम सभी लोगों की जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व है। लेकिन आज ये जो भी बातें चल रही हैं वो एक राजनीतिक समस्या के कारण चल रही हैं। ये जितनी भी समस्याएं हैं भाषा की या गरीबी की, बेरोजगारी की, महंगाई की, ये सारी के सारी एक राजनीतिक समस्या है और राजनीतिक समस्या का समाधान आप राजनीति से ही कर सकते हैं। तो राजनीति जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, राजनीति से मेरा मतलब ये है कि जब तक एक एक वोटर का पूरे देश के अंदर, सरकार के अंदर भागीदारी नहीं होगी, तब तक आप इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो सर, जैसा कि मॉरिशस में भोजपुरी का बहुत विख्यात है और भोजपुरी समाज से वहाँ के पीएम रहे हैं और भोजपुरी समाज से अपने उच्चायुक्त भी हैं, उन्होंने भी भोजपुरी को लेकर वहाँ बहुत काम किया, तो क्या कहीं ये नहीं लगता कि हमारी देश की जो छोटी छोटी भाषाएँ हैं बाहर जा कर के तो जागृत हो जाती हैं लेकिन अपने देश में ही कुंठित जैसे रह के रह जाए? मैंने तो आपको बताया ना कि हमारी ये सारी भाषाओं की समस्या का कारण हमारी राजनीति है। जब हम भोजपुरी की बात करते हैं और अंग्रेजी में भाषण देंगे या जितने भी हमारे संसद में जो भोजपुरी के या जो भी भाषा के लोग बैठते हैं वो सब दूसरी भाषा के अंदर खास तौर से अंग्रेजी में बात करेंगे, तब तक आप इस बातों का समाधान कैसे ढूंढ पाएंगे? तो सर, आज आप जंतर मंतर से देश के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि इस भोजपुरी का सम्मान करने के लिए सबसे पहले आप इस राजनीति को, हमारे देश की राजनीति को ठीक करिए। राजनीति को ठीक करे बिना जब तक आप इस बहुमत की परिभाषा को आप नहीं सुलझा देंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। एक एक वोटर के बहुमत से सरकार बननी चाहिए, ना कि इन सांसदों के बहुमत से। मेरा नाम सत्यदेव चौधरी है, मैं सत्य बहुमत पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद जी। सर, आपका परिचय क्या है, क्या कहना? मैं वीरेंद्र सिंह भारत, मेरा नाम है, एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में और सत्य बहुमत पार्टी का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आज आप जंतर मंतर पे आए हुए हैं, यहाँ एक जाति भाषाओं को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है और उसमें आपकी पार्टी के मुखिया भी आए हुए हैं जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? देखिए, जो हमारे देश में करीब 1800 क्षेत्रीय भाषाएं हैं, छोटी छोटी भाषाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं और वो अपनी भाषा में ही बात को अच्छे प्रकार से समझते हैं और इंटरनेशनल मदर टंग डे है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अभी 21 फरवरी को था तो उसी के उपलक्ष्य में ये धरना हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ ने भी मातृभाषा के महत्व को समझते हुए मातृभाषा दिवस की घोषणा की कुछ समय पहले। तो अपनी भाषा में ही हम अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी भाषा में ही अपने संस्कारों को संजोकर रख सकते हैं। तो जो विदेशी भाषा का कुचक्र ये पिछले 150 सालों से अंग्रेजों ने शुरू किया और दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 73 साल बाद भी हमारे न्याय की, प्रशासन की जो भाषा है वो एक विदेशी भाषा है। तो हमारा इसमें मांग ये है आज जंतर मंतर पे भारत सरकार से कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कल को भोजपुरी भाषा या कुछ भाषाओं को उसमें शामिल कर लिया गया तो हज़ारों भाषाएं और भी रह जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो भी लोग जिस भूभाग पर उसको बोलते हैं वहीं की भाषा में उनको प्रशासनिक व्यवस्था दी जाए। उसी लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहो राज्यसभा या चाहे लोकसभा में इन सभी भाषाओं के प्रतिनिधि हैं जी, तो क्या विश्वास है कि जब वो लोग नहीं सुन रहे हैं तो अगर आपकी पार्टी भी जाती है और ना ध्यान दे? वो इन भाषाओं के प्रतिनिधि वहाँ है ही नहीं,
वो भाषाओं के प्रतिनिधि केवल कहने के लिए बने हैं। हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं पूरे 365 दिन में 15 दिन के लिए, और उसमें भी जो उनके कार्यक्रम होते हैं उसमें भी पूर्ण रूप से हिंदी का प्रयोग नहीं होता। शब्दावली का मैं कई कार्यक्रमों में गया हूं, तो वो केवल दिखाने के लिए है। अगर वो मातृभाषा के बारे में इतने चिंतित होते तो 73 साल में हमारे न्याय की प्रशासन की सारी भाषा अंग्रेजी होती। ये कितने दुर्भाग्य की बात है इस देश के लिए कि 5000 मील दूर से अंग्रेज आए और उन्होंने हम पे 200 साल तक हुकूमत की और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार भाषा के माध्यम से तकनीकी में शिक्षा में हर चीज़ में भाषा को लागू कर दिया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 73 साल बाद हमारा प्रशासन और न्याय लोगों को, जो इस देश के आदमी उस भाषा को समझते नहीं है, आज भी लाख कोशिशों के बावजूद 3% से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग नहीं हैं, और उस भाषा में आप न्याय दे रहे हो। जिसका मुकदमा है उसको पता ही नहीं है कि वकील क्या बहस कर रहा है, जज साहब ने क्या निर्णय दिया, वो जजमेंट पढ़ नहीं सकता है। तो हमारी मांग है कि क्षेत्रीय भाषा में न्याय होना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा में प्रशासनिक काम। नाम बताइए सर। कुंदन अमिताभ जी, मैं अंगिका भाषी हूँ, जो जिसको बोलने वाले की संख्या 6 करोड़ है, बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोले जाते हैं जी। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है जो कि पूरे विश्व में मनाई जाती है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा, ये यूनाइटेड नेशन एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने मातृभाषा की वैल्यू को रेखांकित किया है और मातृभाषा की दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मनाने के लिए आज का दिन जो है तय किया है। तो हम लोग यहाँ पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि जो सीताकांत महापात्रा द्वारा जो अनुसंचित 38 भाषाएँ हैं, उन जिसमें अंगिका भी है, बज्जिका भी है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, कौशली भी है, इस तरह से 38 भाषाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाषाएं हैं, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय अष्टम अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार का मौका मिल सके, वहां के लोगों को अपनी भाषा में शिक्षा का मौका मिल सके। आज आप उसके सपोर्ट में आए कि उसको शामिल किया जाए। यहां हम लोग हर देश के हर कोने से लोग आए हुए हैं, दक्षिण भारत से भी आए हैं तो उत्तर भारत से भी आए हैं, हम भागलपुर से आए हैं अपनी अंगिका भाषा के लिए, तो भोजपुर क्षेत्र से भोजपुरी के लिए आए हैं। कितने लोग आए आपके साथ? अभी तो स्टार्ट हुआ है तो कम से कम 100-150 लोग तो हैं, अभी आने की उम्मीद तो कम से कम इतने लोग और भी आ जाएंगे। और आज कुछ महिलाओं को जो आना था वो महाशिवरात्रि के चलते नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अवधी भाषा की जैसे रमा पांडे जी हैं वो आने वाली हैं, तो वो बोले कि मैं 2 बजे के आसपास आऊँगा। इसी तरह और भी कुड़माली भाषा वाले अभी आएंगे थोड़ी देर में, तो इस तरह से आना तो लगा हुआ है। थैंक यू। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हम लोग भोजपुरी जनजागरण अभियान और क्लियर संस्था के माध्यम से चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा के समेत 38 और दूसरी भाषाएं जो सीताकांत महापात्रा कमेटी ने अनुशंसा किया है उसको संवैधानिक दर्जा देते हुए संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करें। इसी बाबत हमारा आज का धरना है। भोजपुरी जनजागरण अभियान का यह 13वां धरना है और दूसरी भाषाओं का यह 3रा धरना है, और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दें। ये लगातार हमारा मांग चल रहा है।